चलिए हिंदी भी स्टूडेंट्स, कल हमने किया था संज्ञा, उसके भेद, फिर उसके बारे में पता किया गया था कि कौन से उसके भेद हैं और कौन से शब्द व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक में आते हैं। आज हम करेंगे लिंग, जिसको इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। अगर हम इस पैरे को ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा गया, आज वैशाली का जन्मदिन है, उसके माता पिता ने पार्टी का आयोजन किया, दादा दादी उसके लिए सुंदर उपहार लाए, कमरे के बीचों बीच मेज पर केक रखा था, केक उसका भाई लाया था, सभी के मुख पर प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। अगर हम इस पहरे की जो छपे हुए नीले रंग में छपे हुए जो शब्द हैं उनको देखें तो सबसे पहले अगर स्त्री जाति का बोझ जो करवाता है वो है माता, दूसरा है दादी, तीसरा जो है प्रसन्नता, और बाकी के अगर शब्द देखें तो वो तकरीबन सारे जैसे पिता, दादा, केक, उपहार इत्यादि, ये जो मेज है ये सभी जो है ये पुल्लिंग है। तो लिंग की जो परिभाषा है वो ये है कि शब्द का वह रूप जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध करवाता है उसे हम जो है वो लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं जैसा कि आपको दिख रहा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो होता है वो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। तो पुल्लिंग के अंदर कई प्रकार की चीज़ें आती हैं, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। पुल्लिंग के अंदर आप देखेंगे देशों, पहाड़ों, माह सागों के नाम, महीनों के, दिनों के नाम, पेड़ों के नाम, आवाज़ के नाम, धातु के नाम, रत्नों, ग्रहों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, द्रव के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आ पै ने पा लग जाए उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे खेल, अपनापन, बदन, शस्त्र। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके पीछे आस लग जाए, जैसे विश्वास, प्रयास, उल्लास आदि, ये स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब आता है स्त्रीलिंग। गवालन दूध दू रही है और बच्ची जो है वो फल खा रही है। गवालिन तथा बच्ची दोनों शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के सूचक हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसी प्रकार से हिंदी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीव पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में मक्खी आ गया, कोमल आ गया, कोयल आ गया, मछली आ गया। पुल्लिंग के अंदर अगर हम देखें तो तोता है, भालू है, मगरमच्छ है, इस प्रकार होता है। कई कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे नर या मादा जोड़कर लिंग परिवर्तन किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम इसको देखें तो इसमें यह है कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। लिंग के दो भाग हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध पुल्लिंग कहलाता है, स्त्री जाति का बोध स्त्रीलिंग कहलाता है। इसी प्रकार से कुछ पुल्लिंग शब्दों के आपस में नर तथा स्त्रीलिंग के मादा होने का प्रयोग करके लिंग परिवर्तित किया जाता है, जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश।